What are the manipulators in object oriented programming and how it works? अब manipulators का नाम ही बता रहा है कि ये manipulate करता है चीजों को, बढ़ाता घटाता छोटा बड़ा करता है, ठीक है जी। तो ये केवल इनपुट और आउटपुट स्टेट में करते हैं, जैसे अगर आपको सी का याद हो तो printf से करते थे, सी प्लस प्लस में सी आउट सी इन से होता है, सी आउट और सी इन होता है, तो इसी में लगता है ये, राइट। मैं पहले आपको बता दूं ये क्या है, फिर हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। मैनिपुलेटर्स जो है वो क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए फंक्शंस है। क्या है? फंक्शंस है, और ये हेल्पिंग फंक्शंस है, मदद करते हैं आपको। जो भी इनपुट आप ले रहे हैं, जो भी आउटपुट दे रहे हैं, उसको उसको वो कैसे दिखाई देगा, वो कितना छोटा कितना बड़ा होगा, वो ये मैनिपुलेटर्स करते हैं। तो आप ये देखेंगे, ये जो इंसर्शन है, या ये कहेंगे इंसर्शन और जहां पर आप सीन यूज करेंगे, जहां पर सी आउट यूज करेंगे, इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है वहां पर ये काम करता है। मतलब ये सीन सी आउट पे करता है, इनपुट आउटपुट पे करता है। मॉडिफिकेशन किसी भी इनपुट या आउटपुट स्ट्रीम का मतलब ये नहीं है कि आप एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं, ये केवल आप मतलब एक्चुअल डेटा को नहीं चेंज कर रहे हैं, आप वो कैसा दिखाई देगा उसको ही चेंज कर रहे हैं आप। तो दो टाइप के मैनिपुलेटर्स हैं आपके पास, एक आर्ग्यूमेंट के साथ होते हैं, एक विदाउट आर्ग्यूमेंट होते हैं। अभी मैं आपका एग्जांपल इसको बताता हूं। तो मैंने जैसे बताया, मैनिपुलेटर हम इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट में यूज करते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे एंड लाइन है, फिक्स्ड है, शो पॉइंट है, सेट डब्ल्यू यानी कि सेट विड्थ है, सेट प्रिसिशन यानी कि जो डेसिमल के बाद जो दिखाई देगा उसके लिए है। ये मैनिपुलेटर्स करते क्या है कि जो चीज जैसे बाहर की तरफ दिख रही है आपको, मतलब आपके स्क्रीन पे दिख रही है या डिस्प्ले पे दिख रही है, उसको कंट्रोल करता है, उसको दिखेगी कैसे, है ना। जैसे एंड लाइन है, वो क्या करता है, अपने लाइन को टर्मिनेट कर देता है, जहां जिस लाइन पे आप एंड लाइन कर देते हैं वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है और ब्लैंक लाइन आउटपुट आपको दे देता है, है ना। तो ये काम केवल मैनिपुलेटर कर रहा है। अब आप देखिए, जैसे हमने कहा सी आउट, ये सेट डब्ल्यू मतलब होगा ये सेट विड्थ कर देगा, तो सेट विड्थ हमने 8 किया और यहां पर 1 प्रिंट करने की कोशिश की, थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन उसको समझिए, यहां पर 8 की जगह बन जाएगी और ये आप कहां लिख रहे हैं, 1 यहां पर। सेट डब्ल्यू आपने कहा 10, तो 10 यहां लिखा जाएगा, ये 8 की जगह बनेगी, सेट विड्थ का मतलब 8 की जगह बनेगी, अगर आप प्रिंट कराएंगे तो वो यहां दिखाई देगा, समझ गया। सेट विड्थ क्या है, ऐसी सेट फिल है, अगर सेट फिल आप करते हैं तो यहां पर ये बाकी चीजें, ये जो आपके ये तो स्पेसेस थे, ये आपको ये ब्लैंक स्पेसेस है, दिखाई नहीं देंगे आउटपुट में, लेकिन सेट फिल करेंगे तो आपको यहां पर ये स्टार दिखाई देने लगेगा। ऐसी सेट प्रिसिशन है, सेट प्रिसिशन का मतलब ये है कि 1, 2, देखिए मैं इसको ऐसे बताता हूं, आपके पास नंबर है 135.456, आपने सेट प्रिसिशन कर दिया 5, 5 का मतलब क्या है, कुल मिला के 5 होने चाहिए, तो आपके 5 आएंगे, 3 आपके यहां पे डेसिमल और डेसिमल के बाद 2, तो इस तरीके से आएगा। और भी तमाम चीजें हैं इसमें सेट प्रिसिशन, अगर आप और भी तरीके हैं इसको करने के, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर भी कि इसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने यहां कुछ यूज भी किए और क्या क्या यूज किए, यहां पे एंड लाइन डब्ल्यू एस फ्लश ऐसे हैं, सेट वैल, सेट डब्ल्यू, सेट फिल जो हमने यहां यूज भी कर लिया, सेट बेस, सेट आईओएस फ्लैग, और इसके अलावा और भी आपके मैनिपुलेटर्स हैं, शो पोजीशन, फिक्स, साइंटिफिक्स, हेक्स, डेक, ऑक्ट,